हेलो, जितना हो इंसान पे उतना संतुष्टि करनी चाहिए। हेलो तासे वाले भैया ले जा लहिया, सुबह का वक्त होने के लिए जा रहा है। अभी अभी रामवीर भाई ने सुबह के वक्त में एक बेटी का गीत गाया, जो शेरो शायरी चली थी, जो कल चली थी, वही आज चल गई। अंतर कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया गीत रहा। सुबह का वक्त होने के लिए जा रहा है। इस नंबर पे इनकी बात को जवाब दूंगा और दो गीत मैं अपनी तरफ से रखूंगा। हाँ साहब, अरे वक्त सुबह का और हो गया, मेरा हृदय भयो और वही धुन बजा मासा, तू मेरी जिंदगी है। भैया बीड़ी बारे हो या सोलह खुल्ले ने का हम तो कह रहे हैं कि सोलह उतारे के सुनो ने तुम तो जाकर पे रहो 10 मिनट ठंड लग रही है। फिल्म आशिकी में गीत आया संजय भैया तू मेरी जिंदगी है अरे तू मेरी जिंदगी है तू ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखिरी है तू मेरी जिंदगी चाचा। अब प्योर सुनवे बारे रह गए हैं जो लटका फटका उल्टी सीधी बात सुनवे बारे वो जा चुके और टाइम भी रह चुका है। बहुत बढ़िया बात कही रामवीर भाई ने। तू बेटी कशिश के लिए हमारे संजय भैया कह रहे हैं कि हे बेटी तू मेरी लाडली है तू मेरी लाडली है बाबुल के बगिया की बाबुल के बगिया की तू कोमल कली है बाबुल के बगिया की कोमल तली है तू मेरी लाडली है। रामवीर भाई एक बात कह रहे थे कह रहे कबैया ना कि कोई कमी ना है किशन गुरु की है। हाँ कहते ना कोई बादर फादर फाड़ दो का तेरे कोई क्या मंच पर बादर फादर चटकाए दो क्या कर दो ये बता। इंसान को इतना बोलना चाहिए ये वो ही किशन शर्मा है। विजेंद्र शर्मा जी को सम्राट का खिताब दिलवाया था वो ही लेखनी है। किशन शर्मा की लेखनी पहले भी थी और आज भी है। तुम अपने अंदाज में लिखते हो और हमारे किशन गुरु अपने अंदाज में लिखते हैं। केवल अंतर दोनों का जब एक जैसे ही सब कलाकार हो जाएंगे कोई गाने में कम होता है भाई रवि कोई लेखनी में कम होता है कोई साज में कम होता है कोई साज में ज्यादा होता है। अंतर केवल इतना होता है ना साउंड की आवाज बढ़ा दे सवेरे को भक्त भाई साहब। अरे ना है गुरु तुम तो सोने के सिक्का हो। हमारे गुरु कह रहे नीचे तो बैठ के क्या भाई हम बड़े बूढ़े हैं कि नौजवान हैं ऐसी बात नहीं तुम सोने के सिक्के रहे हो। ऐसे लट्टू पंजू जन कितने डोलते हैं और ऐसे गाने वालों के लिए तो ये खिच्चो आटे वालों में अकेला ही काफी है। और मैं बड़ी बात नहीं करता हूं अगर आ कर दी तो आ का जवाब नहीं आएगा उधर से हमें इतना भी जानते हैं। मगर दंगल को हम नीरस करना नहीं चाहते। कह रहे थे तू ही मेरे आंगन की कोमल कली है। संजय भैया जी अब मैं क्या कह रहा हूं जैसे कि हमारे संजय भैया कह रहे हैं कि हे बेटी कशिश तू तू बेटी पेटों से भली है तू, पेटों से भली है। और मैं दावे के साथ में कहता हूँ खलीफा जी, अगर किसी बाप के चार बेटा हैं और एक बेटी है, अगर बाप हारा तका खेत से आ रहा है लौट करके, अगर किसी पुत्र से यूं कह दे कि बेटा एक गिलास पानी का लेकर के आ, तो बेटा साइड लेकर के पत्ता मार खेलने के लिए निकल जाएगा, मगर बेटी वो शान हुआ करती है बाप के लिए, अगर अपने बाप की आवाज सुन ली तो अपने मोह के निवाले को छोड़ देगी, मगर पापा की आवाज सुन ली तो वो एक गिलास पानी का लेकर के अपने पापा के पास में जाएगी कि पापा लो पानी पियो। अगर सही हो तो एक बार तालियां। तो इसीलिए हमारे संजय चाचा कह रहे हैं तू हे बेटी कशिश, तू पेटों से भली है, तू पेटों से भली है। और किशन गुरु तुम्हारा मान सम्मान नीचे नहीं डिगने देंगे। ऐसे मुतफर्रा खा जन कितने डोलता है। अरे ऐसे 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 गाने वालों को मुकेश गाने वाला नहीं समझता है। उन लोग सीखेगा समझेगा कभी जीवन में। तू बेटों से भली है और बेटी संस्कारों के सांचे में, संस्कार के सांचों में रात दिन ढली है। तू बेटों से भली है। ये जवाब पर खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बेटी कशिश के पिताजी हमारे बड़े भैया संजय भैया जी की तरफ से आए हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत आप लोग करेंगे। तू मोमिन भाषा, तू पेटों से भली है, अरे तू पेटों से भली है। संस्कारों के सांचे में, संस्कार के सांचे में रात दिन ढली है। तू पेटों से भली है। हमारे खलीफा जी की तरफ से पुरस्कार हुआ। क्या बात है साहब, जो कह रहे हैं कि तुम्हारा जवाब बढ़िया चल रहा है। इसके बाद में मैं भी कुछ कहूंगा। क्या बात है साहब डोरी लाल भैया। ये आदमी अगर अपने हाथों से एक गीत लिख ले तो बहुत तुम्बन खा बनता है। अगर इसको ये पता नहीं है तेरी रसियाबाजी है 12, 14, 15 साल की, केवल मुझे गाते गाते गुरु लोगों के साथ में 28, 30 साल हो गए। तुझे ये पता नहीं है कि आटे वालों में और बैरंग अखाड़े वालों में जाने कैसी ऐसी गीत लग गई। गलत नहीं कह रहा। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, दुनिया गाती फिरती डोलती है, तेरे गीत को कौन गाएगा? कोई नहीं गाएगा। देख माता पिता के सुख में, अरे माता पिता के सुख में, हाँ किशन गुरु, माता पिता के सुख में तू भी सुखी है। पिता के सुख में तू भी सुखी है। भैया राघव कहाँ रहे आज, तुम्हारी कलम ना चली यार। अच्छा या एक ही मेढका के पीछे भागे डोल तो समझ ले, एक ही मेढक के पीछे। माता पिता के सुख में तू भी सुखी है, दुख है पिता को पहले तू खुद दुखी है, दुख है पिता को देखो तू भी दुखी है। हे बेटी अगर पिता को सुख है जैसे कि हमारे संजय भैया को सुख है तो तू पहले सुखी है, और अगर तेरे माँ बाप को दुख है तो तू पहले ही। कविता देखना किशन गुरु की, इसीलिए कहना है माता पिता के सुख में तू भी सुखी है, दुख है पिता को पहले तू खुद दुखी है। तो साक्षात लक्ष्मी बेटी, साक्षात लक्ष्मी बेटी, और सही हो तो तालियां। अरे साक्षात लक्ष्मी बेटी पिता की लली है, अरे साक्षात लक्ष्मी बेटी पिता की लली है। तो कहना है तू 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 साँचे में ढली है, तू साँचे में ढली है, संस्कार के साँचे में, संस्कार के साँचे में रात दिन ढली है, तू पेटों से ढली है। बाबुल का दुख देख बाबुल का, सीखो बोले। मम्मी ने माँ साथ तुम बाजा बजा रहे तो वो कैसे गा रहे हो साले। दुख दे अरे इनके संग जो बाजे बजा रहे हैं वो नकल उतार रहे हैं बाकी राग है ना। अब देखो सीखो पहले, दुख देख बाप का, दुख देख बाबुल का बेटा न आता है, दुख देख बाबुल का बेटा न आता है, बेटी का दिल ऐसा, बाप के दिल में जो दुखन पैदा होती है, दुख देख बाबुल का बेटा न आता है। और मनन करके देखना संजय भैया, वो बेटा न आता है। मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे कोई बेटी नहीं है, मुझ में केवल दो बेटे ही। शेरवाल भैया दुख देख बाबुल का बेटा न आता है, बेटी का दिल ऐसा वो देख नहीं पाता है, बेटी का दिल ऐसा पर देख नहीं पाता है, बेटी का दिल ऐसा पर देख नहीं पाता है। और बाबुल की बगिया में, बाबुल की बगिया में, हाँ बेटा वाल्मीकि, बाबुल की बगिया में, बाबुल की बगिया में। ये कुछ कह रहा है मुकेश तुमसे, और जवाब नहीं पैदा होगा इस बात का जो मुखारबंद से बोल रहा है। बाबुल की बगिया में तू, बाबुल की बगिया में तू फूली फली है, बाबुल की बगिया में तू फूली फली है, संस्कार के सांचे में रात दिन ढली है। तो इसीलिए कह रहे खलीफा जी तू पेटों से भरी है, तू पेटों से भरी है। छंदमासा अरे बस बन राम ने काटे उनके पग दरसाए, उनके पग दरसाए। ऐसे लोग शर्म से मर जाते हैं भाई साहब। अरे भारत लाल ने पैर पखारे, भक्तन के प्रण पारे, अपने भक्तन के प्रण पारे, अपने भक्तन के प्रण पारे, दर सतबार जी। एक गीत सुनना बड़े ध्यानपूर्वक भैया राघव जी। बेटा तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, अरे तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। बेटा अपने गुरु लोगों की नकल करनी चाहिए। जो कह रहा है कि गोपाल परमार है रहे हो तो गोपाल परमार को चेला है तो गोपाल परमार चुनो होगो। तेरे दर्द से दिल आबाद रहे, तेरे दर्द से दिल बात रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। पहले भी नंबर पर मैंने गीत गाया, समर की शाम का सूरज अगर वो ढल गया होता, अगर जयद्रथ नहीं मरता तो ये अर्जुन जल गया होता। अब ये भी गीत देखना, तबीयत खुश कर दूंगा इसी गीत में तुम्हारी। देखी जैसी हालियत, देखी जैसी हालियत, दुख दर्द वो सहने लगे। देखी जो सी हालियत, दुख दर्द वो सहने लगे। वनवासी पुत्रों को देख कर दशरथ जी फिर दुख में यूं कहने लगे। वनवासी पुत्रों को देख कर दशरथ यूं फिर कहने लगे। भगवान राम उधर में मेरे दो पुत्र भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, और इधर में दो पुत्र वनवास के लिए जा रहे हैं। भैया जी तो भाई यही काम आता है, दो पुत्र ननिहाल में और दो पुत्र वनवास के लिए जा रहे हैं। तो दशरथ जी कह रहे कि मेरे माला के मोती, मेरी माला के मोती बिखर गए। माला मीन्स यहाँ हो गया परिवार के। कि मेरी माला के मोती बिखर गए, और कुछ उधर गए कुछ इधर गए कुछ उधर गए। भीमा भैया दशरथ जी कह रहे अरे मेरी मेरी माला के मोती बिखर गए, मेरी माला के मोती। सीधे चलो। मेरी माला के मोती बिखर गए रे, कुछ इधर गए कुछ उधर गए कुछ इधर गए। दशरथ जी कहने लगे खलीफा जी मेरी माला के मोती बिखर गए, और कुछ इधर गए और कुछ इधर गए। कुछ तो दो ननिहाल में और दो वनवास के लिए गए। बेबस पिता हो गया है, बेबस पिता हो गया है, सब कुछ मेरा खो गया है, सब कुछ मेरा खो गया है, और सिर्फ दो बचनों के, सिर्फ दो बचनों के जख्म दिल पे छाए। इन्हीं दो बचनों में मेरी जान जाए, तो कोई हो जो मेरी सुन रहा, कोई हो जो मेरी सुन रहा। तो राजा दशरथ कहने लगे कि मेरी आंखों के तारे शेरा भैया, अरे मेरी तारे जाने किधर गए, मेरी आंखों के तारे किधर गए, अरे मेरी माला के मोती बिखर गए रे, कुछ किधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए। जितनी जनता यहां से उसी प्रकार का गीत हो रहा है। नहीं सहन होती है जुदाई, नहीं सहन होती है जुदाई, जान पे मेरी बन आई, जान पे मेरी बन आई। हाँ जी, दासी और रानी से, दासी और रानी से महल में उदासी के कई के कारण ही राम बनवासी, के कई के कारण ही राम बनवासी, के मेरा सब कुछ ही लुट गया, मेरा सब कुछ ही लुट गया। तो दशरथ जी कहने लगे हैं, कह ले चलो मुझे वो, अरे ले चलो मुझे वो जिधर गए, ले चलो वो मुझे वो जिधर गए, अरे ले चलो मुझे वो जिधर गए रे, कुछ उधर गए, कुछ उधर गए, कुछ उधर गए। आज राजा दशरथ को वो श्राप याद आ रहा है अंधी और अंधे का। जब श्रवण कुमार के तीर मारा तो अंधी अंधाओं ने श्राप दिया कि हे राजन, आज हम अपने पुत्र के वियोग में मारे जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तू भी अपने पुत्र के वियोग में मारा जाएगा। तो दशरथ जी कहने लगे ही, हाँ कुछ थोड़ा याद आया, अरे हाँ कुछ थोड़ा याद आया, मोमिन भैया आओ ना कर पाएंगे जी, हाँ कुछ थोड़ा याद आया, हाँ कुछ थोड़ा याद आया, श्राप सिर पे मैंने ये पाया, श्राप सिर पे मैंने ये पाया। कब? अंधी और अंधों का, धुन देखो, अंधी और अंधों का लगा श्राप भारी, उसी श्राप से उजड़े बगिया हमारी। पूरा परिवार गारत हो गया उसी श्राप से। तो दशरथ जी कहते हैं के अब नहीं जी सकूंगा मैं, अब नहीं जी सकूंगा मैं। और देखो काफिया कैसे निकल के आता है के मेरे थर थर, मेरे थर थर थकते अधर गए, मेरे थर थर फटते अधर गए। अधर मीन्स होता है होठ, के मेरे थर थर थकते अधर गए, मेरी माला के मोती बिखर गए रे, कुछ उधर गए, कुछ उधर गए, कुछ उधर गए। जी लास्ट बंद गीत का विधाता हो मैंने विधाता को नाराज देखा। अरे विधाता को नाराज देखा। क्यों देखा? छुपा राज में राज देखा। छुपा राज में राज देखा। और अफसोस दिल ने ये दिल दिखाए। दशरथ जी कह रहे सुरपुर की राहों में नजर है गड़ाए। करके महंगी जो करनी पड़ी। करके महंगी जो करनी पड़ी। तो यहाँ पर छाप लग रही है भैया राघव के किशन शर्मा कुलोकृत। किशन शर्मा कुलोकृत सुधर गए। अरे ये किशन शर्मा कुलकृत सुधर गए। मेरी 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 माला के मोती बिखर गए। कुछ उधर गए कुछ इधर गए। के लिए समझा भैया। एक धुन आई हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। अरे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हाँ जी अब इस गीत को भी सुनना। हमारे गोपाल गुरु गाया करते थे इसी धुन पे एक गीत। भैया रामीर बस कहना है सौदा ही मिलेगा। पहले नंबर पे इन सौदों को रखते तो जनता सुनती नहीं। कहना है अरे घरी घरात पीले हाथ करने के लिए। अरे घरी घरात पीले हाथ करने के लिए। वो पुराना गीत था हमारे गोपाल गुरु गाया करते थे। अरे शंकर वो तो पुराना गीत है अब नया सुनाऊंगा। ये तो धुने बता रहा हूँ मैं। चश्मा मारे हो धुने बता रहा हूँ। शंकर दुला बने सुधा तेरी भरने के लिए। घरी घरात पीले हाथ करने के लिए। घरी घरात पीले हाथ करने के लिए। रामीर भैया मैं जानता हूं अखाड़े में फूट डरवाए वो दो ही आदमी जानते हैं पूरी रसियाबाजी में। मेरी बढ़ाई करके और गवैया नहीं बढ़ाई करके किशन शर्मा की दूसरा आदमी बढ़ाई कर रहा है। चुका ना मैं आपसे में लड़ाई आ जाए। हाँ, और इतने पर दूसरा आदमी अखाड़े में बैठे को चुका कचुनो कचू काना फंसी करूंगा बेटा है। अरे धरी धरात पीले हाथ करने के लिए खाली बाजी गीत को सुनना। एक नारी, हाँ भैया ने थोड़ी सी शांति तो मैंने कही है या मैंने कही है? सबनो कह दे गंगा जमुना के बीच में सबनो कह ली। हाँ वो कह रहा हूँ माटिया जाएगी हाथरस के पास में गाँव होने को वो कह रहा हूँ इशारे में समझ जाएंगे। हाँ जी, एक देश की नारी पूरी देश की नारियों से कहने लगी है, हे नारी इधर को देख, हे रामवीर की घरवारी इधर देख। तुम जनो भैया कह रहा था हमारा कि हाई स्कूल पास नहीं, हाँ 3 बार फेल है गो। चल फेल तो है गो, फेल तो है गो भाई में 3 बार। अरे अकल आएगी इन बातों से, अकल आएगी। 3 बार फेल होकर के 4थी बार पास भी हो सकता है। हाँ पर तू 4 पास ही रही हो। हाँ साहब, अरे तुम जनो वो देश की नारी कह रही है, अरे तुम जनो श्री रघुवर सी संतान। अरे तुम जनो श्री रघुवर सी संतान। तुम जनो श्री रघुवर सी संतान। बनकर कौशल्या तो बनकर कौशल्या तो बन जाए भारत देश महान। तुम चलो श्री रघुवर सी संतान। श्री रघुवर सी संतान और बनकर कौशल्यासी तो बन जाए भारत देश महान। अरे 10 की जगह चाहे एक हो, अरे 10 की जगह चाहे एक हो, और वो सभी तरह से नेक हो, वो सभी तरह से नेक हो, सभी तरह से नेक हो। और भैया जी, अरे हनुमान महावीर सा माँ का लाल प्रत्येक हो, माँ का लाल प्रत्येक हो, माँ का लाल प्रत्येक हो। और भैया रामवीर, अरे त्याग तपस्या में वो त्याग तपस्या में भरत लखन सा हो, वो त्याग तपस्या में भरत लखन सा हो। अरे त्याग तपस्या में भरत लखन सा हो। इस देश के वीरों की रही, देश के वीरों की रही है सदा अलग पहचान। तो इसीलिए कह रहा हूं तुम जनो, अरे तुम जनो श्री रघुवर सी संतान। तुम जनो श्री रघुवर सी संतान। हाँ जी, हमारे बड़े भैया रामवीर जी की तरफ से ये 51 रुपए का गीत पर खुश होकर के आशीर्वाद तौर में प्रदान हुआ है। एक बार जोरदार आप ताली बजाएंगे। याद है राघव जी की तालियां तो अलग छट रही है, ग्रुप में भी छटती है। अरे पहली गुरु बच्चे की, पहली गुरु मैया होती और वो गुरु दूसरा बाप है। पहली गुरु मैया होती दूजा देखो बाप है। और संस्कार बेटा को देता, संस्कार बेटा को देता, हर एक अपने आप है। संस्कार बेटा को देता हर अपने आप है। और पुरानी कहावत है खलीफा जी, मानोगे ना, गुड़ डालोगे, अरे गुड़ डालोगे वो वैसा ही मीठा बने। अरे गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा बने। बेटे को जैसा ज्ञान दोगे वो बेटा बेटा वैसा ही बनेगा। गुड़ डालोगे वो वैसा ही मीठा बने। अरे भीम नकुल सहदेव, अरे भीम नकुल सहदेव, युधिष्ठिर अर्जुन से बलवान। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम जनो या तुम जनो श्री रघुवर सीता। तुम जनो श्री रघुवर सीता। अब देखिए बेटा तो इस तरीका से हो अच्छा लगेगा। अगर देश की बेटियां कैसी होनी चाहिए, एक अंतरा बेटियों के बारे में सुनेंगे। भैया जी लास्ट बंदा है गीत का। बेटी भी सम्मानी है, बेटी भी सम्मानी है, बेटी भी सम्मानी है। हमारे देश के बेटा भी सम्मानजनक है और बेटी भी सम्मान है। अरे बेटी भी सम्मानी है, ये तहरीर पुरानी है, ये तहरीर पुरानी है, ये तहरीर पुरानी है। और देखिए लास्ट का बंदा है, अगर बेटी की बात हकीकत हो तो तालियां खलीफा जी। बेटी भी सम्मानी है, ये तहरीर पुरानी है। और वो बेटी अरे अंग्रेजों को धूल चटाई गई, वो झांसी वाली रानी है। अंग्रेजों को धूल चटाई गई झांसी वाली रानी है। अरे थर्राए गए विदेशी, डार गए हथियार। अरे थर्राए गए विदेशी, डारे गए हथियार। क्या बात है बेटा। अरे थर्राए गए विदेशी, वो डारे गए हथियार। समझे घोड़का को चक्कर हुआ। थर्राए गए विदेशी, डारे गए हथियार। अरे ले लो हाथ तिरंगा किशन, अरे ले लो हाथ तिरंगा किशन, खाओ कसम बढ़ाओ किसान। तुम जनो श्री रघुवर सिंह संता। मेरी तरफ से नंबर यहीं पर विराम होता है और आ रहे हैं रामवीर भाई अपना नंबर लेकर के। 2 गीत होने चाहिए।